डंपिंग ग्राउंड में रोज जमा हो रहे कचरे के कारण हवा, पानी और जमीन का निरंतर प्रदूषण होते रहता है। सेग्रीगेशन एट सोर्स एवं रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज, यानी कि 3R जैसी अच्छी आदतों को अपनाने के बावजूद कई कारणों से डंपिंग ग्राउंड में जमा होने वाले कचरे में दिन ब दिन बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि कचरे के लिए डंपिंग ग्राउंड में जगह बची नहीं और डंपिंग ग्राउंड के लिए शहर में जगह बची नहीं। कन्वेंशनल वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस में पानी से भरा एज रिसीव कचरा भट्टी में डाला जाता है। ये पानी से भरा कचरा सभी समस्याओं की जड़ है। इसी कारण भट्टी का तापमान 850 डिग्री सेल्सियस से कम बना रहता है और वह एक समान नहीं रहता। नतीजा कम स्टीम टेम्परेचर, कम स्टीम प्रेशर, कम स्टीम जनरेशन और कम बिजली का उत्पादन। साथ ही साथ प्रोसेस में डाइऑक्सिन, SO2, NO2 जैसी जहरीली गैसों का पैदा होना। इसी कारण विकसित देशों का झुकाव महंगी लेकिन ज्यादा ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर दिखाई देता है, जैसे कि साइंटिफिक लैंडफिल, कंपोस्टिंग, बायोगैस और CNG। फिर भी भारी मात्रा में प्लास्टिक से भरा कचरा, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज्ड इंडस्ट्रियल ऑयल और टायर जैसे हानिकारक कचरे को जलाना ही पड़ता है। इन सभी समस्याओं का समाधान जेड मैथ्यूज के ऑल इन वन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी में मिलता है। पानी से भरे कचरे को विभिन्न प्रोसेस से गुजरते हुए पेटेंटेड एयर प्रेशर ड्रायर तक पहुंचाया जाता है और उस कचरे में से पानी की मात्रा को अलग किया जाता है। इस वजह से कचरे का रूपांतर रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल यानी कि RDF में किया जाता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू 4,500 किलो कैलोरी से भी ऊपर होती है। यही पेटेंटेड एयर प्रेशर ड्रायर वेस्ट टू एनर्जी प्रोसेस की सारी समस्याओं को दूर करते हुए अब गेम चेंजर बन गया है। कचरे में से अलग किए गए पानी का इस्तेमाल बायोगैस, CNG और फर्टिलाइजर बनाने के लिए किया जाता है। जेड मैथ्यू, इन्होंने थर्मल पावर प्लांट की भट्टी को वेस्ट टू एनर्जी के अपने प्रोसेस में अपनाया है। ये कार्य क्षमता के मानक से ज्यादा प्रूवन और एस्टेब्लिश है। आगे चलकर RDF को भट्टी में जेड मैथ्यूज के स्पेशल डिजाइन किए हुए स्प्रे गन से स्प्रे किया जाता है। इसके कारण कन्वेंशनल वेस्ट टू एनर्जी भट्टी के मुकाबले कंबस्शन रेट कई गुना ज्यादा होता है। इस वजह से भट्टी की क्षमता में भारी बचत होती है और बचत की गई क्षमता में बायोमेडिकल वेस्ट जलाकर पेड फैसिलिटी के जरिए अधिक आय प्राप्त होती है। साथ ही साथ ज्यादा कंबस्शन रेट की वजह से भट्टी का तापमान 1100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, इसीलिए प्लांट का इमिशन EU स्टैंडर्ड के बराबर रहता है। आइए देखते हैं कन्वेंशनल प्रोजेक्ट के मुकाबले जेड मैथ्यूज का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट कितना फायदेमंद है। कन्वेंशनल प्रोजेक्ट 3000 मैट्रिक टन कचरा प्रतिदिन, लागत 3,000 करोड़ रुपए, बिजली का उत्पादन 30 मेगावाट, प्रति यूनिट 5 रुपए की दर से बेचने पर 139 करोड़ रुपए की सालाना बिक्री। जेड मैथ्यूज का प्रोजेक्ट 3000 मैट्रिक टन कचरा प्रतिदिन, लागत 3000 करोड़ रुपए, बिजली का उत्पादन 30 मेगावाट की जगह 75 मेगावाट, प्रति यूनिट 5 रुपए की दर से सालाना बिक्री 139 करोड़ की बजाय 329 करोड़ रुपए, अतिरिक्त लागत कुछ नहीं। साथ ही साथ पेट फैसिलिटी के जरिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बिक्री, इस तरह कुल बिक्री 429 करोड़ रुपए। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत से बायोगैस, CNG और फर्टिलाइजर से अतिरिक्त आय की प्राप्ति। मैथ्यूज, इनका वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट बेहद फायदेमंद होने के कारण आने वाले दिनों में कचरे की खरीदी बिक्री मुमकिन बनती है। इसी कारण वेस्ट सेक्टर से जुड़े वेस्ट जनरेटर, वेस्ट पिकर्स, स्वच्छ भारत एंटरप्रेन्योर, इनके बीच लिंकेज बनके पूरे प्रोसेस में पार्टनर इन प्रॉफिट के रूप में जुड़ जाते हैं। जेड मैथ्यू का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट ये साबित करता है, वेस्ट इज एनर्जी।